जय हिंद दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल है और होता भी है कि सर मैंने YouTube से किसी की वीडियो कॉपी नहीं की है, मैंने तो Instagram से वीडियो उठाया था, TikTok से वीडियो उठाया था, रील से वीडियो उठाया था और मैंने तो यूज भी नहीं किया, तब भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा, ऐसा क्यों है। आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि अगर तुम रील्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं से भी वीडियो उठाते हो, तुम्हारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा, और रीयूज्ड कंटेंट क्यों आता है, ऐसे मतलब क्यों आ जाता है, दूसरे की वीडियो तो डाली ही नहीं है, मैंने एडिट अच्छे से किया है, उस पर मेहनत की है और मेरे चैनल पर अब सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो भी वही है, और मैंने तो मतलब इंस्टाग्राम से पर्सनल अकाउंट पर जाकर वहां से वीडियो उठाकर अपलोड किया है, तो चैनल मेरा मोनेटाइज होना चाहिए, यूट्यूब की गलती है, मेरी गलती नहीं है, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। लेकिन मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ, आपको आज हकीकत से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, जितने भी लोग देख रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और मोनेटाइजेशन के अप्लाई होने के पहले अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कॉल फॉर मी पर कॉल करके मुझसे वो जानकारी ले सकते हो कि जिसमें तुम्हें डाउट लग रहा हो। ये ध्यान में रखना, तुम्हारा 10-5 रुपये लगेगा लेकिन चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, गारंटी लेता हूँ। इन केस अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रहता है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। अब आपको मैं बता रहा हूं कि जो आपने सोशल मीडिया से वीडियो उठाया है ना, वो वीडियो आपकी एक बार अपलोड हुई, ठीक है, वो जिस बंदे ने अपनी वीडियो अपलोड की, एक बार अपलोड हो चुकी है इंटरनेट पर। कोई भी वीडियो जो कि इंटरनेट पर ऑलरेडी अपलोड है, उस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर उठाकर डालेंगे, वो रीयूज्ड कंटेंट होगी। रीयूज्ड का मतलब यही होता है दोबारा से यूज की गई हुई वीडियो। अब वो चाहे कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज की गई हो, वो भी कॉमर्शियल या फिर पब्लिक प्लेस पर, ये ध्यान रखना, मैं ये फिर बता रहा हूं, कॉमर्शियल यूज किया गया हो या फिर पब्लिक प्लेस पर यूज किया गया हो। अब बहुत सी वीडियो ऐसी होती है जो कि कोई कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं यूज किया गया, जैसे WhatsApp पर किसी ने वीडियो बनाकर आपको भेज दिया, अब WhatsApp पर आ गया, उसके बाद आपने YouTube पर अपलोड कर दिया, तो उस पर reused content नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब बहुत से मित्र मेरे ऐसे हैं, दोस्त ऐसे हैं, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने Instagram की कुछ वीडियो उठाई और अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया बिना कुछ उसमें अपना वैल्यू क्रिएट किए हुए। अब आप सोच रहे होंगे वैल्यू क्या है, इसमें वैल्यू क्या डालूं मैं। वैल्यू ये होता है कि जब आप अपनी वीडियो कोई बना रहे हो तो उसमें कोई नरेशन करके डालें, मतलब कि कोई वॉइस ओवर कर दें। अब वॉइस ओवर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वॉइस ओवर, जैसे कोई फोटो चल रहा है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, उस पर आप बोल रहे हैं कुछ अपनी आवाजों से, कुछ उसमें आप एजुकेशन डाल रहे हैं, कुछ वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये होता है वैल्यू, और इस वैल्यू को ही बोलते हैं नरेशन, और इससे फिर आपके चैनल पर रीयूज्ड नहीं आता है। पॉइंट एक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर दो, आपने इंस्टाग्राम के रील से वीडियो उठाई किसी सेलिब्रिटी की या फिर जिसके ज्यादा फॉलोअर हैं उसकी, और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद वो वीडियो वायरल भी होगी, पक्का है वायरल होगी। बहुत लोग सुपर डांसर की वीडियो उठाते हैं, बहुत लोग बहुत सेलिब्रिटी की वीडियो उठाकर अपलोड कर देते हैं। उस वीडियो से एक चीज हो सकता है कि आपका चैनल तो ग्रो हो जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपने अपने चैनल पर सभी वीडियो दूसरे की ही डाल रखी है और आपके किसी भी वीडियो पर 10-15 लोगों ने जाकर रिपोर्ट कर दिया है, तो आप जब रिव्यू में भेजेंगे तो आपका चैनल सस्पेंड कर देगा YouTube। ये ध्यान में रखना, आज ये बात आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आज हमने इस बात को जाना है। तो आपका चैनल सस्पेंड हो जाएगा अगर रीयूज्ड कंटेंट इस तरीके से यूज करोगे। पॉइंट नंबर तीन कि रीयूज्ड मैंने देखा कि लोग यूज कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर मोनेटाइज नहीं हुआ, मेरे सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को YouTube कह रहा है कि मोनेटाइज नहीं करेंगे। तो YouTube क्यों मोनेटाइज नहीं करेगा, इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जैसे तुम्हारे चैनल पर तुमने जो वीडियो अपलोड की है उस वीडियो में सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को ही YouTube सबसे पहले देखता है। वो इसलिए देखता है क्योंकि जब तुमने वीडियो अपलोड की और YouTube चेक करता है सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो को, सबसे लास्ट में जो वीडियो आपने अपलोड की उस वीडियो को, आपके वीडियो पर टाइटल आपका, टैग आपका, डिस्क्रिप्शन आपका, थंबनेल आपका, ये चेक करता है YouTube जब आप YouTube को मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं, राइट। और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई भी वीडियो आपने छोटी सी उठाई और अपलोड कर दिया है इंटरनेट पर बिना कुछ उसमें चेंजेस के, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आप कहीं से म्यूजिक उठा लेते हैं, मतलब ये म्यूजिक फ्री लाइसेंस वाला उठाते हैं, रीयूज्ड अवेलेबल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ रीयूज्ड उस पर अलाउ है, फिर भी आप उठा लेते हैं, और आप कहीं से फोटो या वीडियो उठा लेते हैं फ्री वेबसाइट से, जिस पर नो कॉपीराइट वाली वेबसाइट से आप फुटेज ले लेते हैं और दोनों को कंबाइन करके अपलोड कर देते हैं, तो
भी उस कंडीशन में आपके चैनल को YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पहली चीज तो आपका ऑन कंटेंट नहीं है, ये पब्लिक प्लेस पर वेबसाइट है, वहां पर वो वीडियो पड़ी है और उस वीडियो को पता नहीं कितने लोगों ने यूज किया है और आप भी यूज कर रहे हैं। तो जो ज्यादा क्रिएटर जब यूज कर लेते हैं तो वो मोनेटाइज नहीं होता है जब आप बाद में यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, राइट। और अगर आपका पर्सनल कंटेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप देखते होंगे जब मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो शायद आपको बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनाई देती होगी, जैसा कि अभी सुनाई दे रही है आपको। इस म्यूजिक से रियूज्ड कंटेंट क्यों नहीं आता? क्योंकि सभी वीडियो मेरी डिफरेंट होती है, सभी वीडियो अलग अलग तरीके की होती है, सब में कुछ अलग नॉलेज मिलती है, लेकिन म्यूजिक एक है। म्यूजिक मेरा मेन थीम नहीं है, मेरा थीम है आपको फोकस करके बताना। तो म्यूजिक से कोई लेना देना इस पे है ही नहीं। जब आपके चैनल पर आपकी वीडियो का मेन थीम हो जाएगा दूसरे का कंटेंट, मतलब दूसरे का कंटेंट जो आपने उठाया है वही मेन चीज है आपके वीडियो का, प्रोपोर्शन वाइज मेन चीज आपके दूसरे का कंटेंट है, तो आपका चैनल YouTube मोनेटाइज नहीं करेगा। अब इन केस आपको बता दूं यहां पर कि जैसे आपके किसी एक वीडियो पर सबसे ज्यादा व्यूज आया है और उसी वीडियो से आपका 4000 घंटे भी कंप्लीट हुआ है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस वीडियो को मैं जब अपलोड करूंगा या जब डिलीट करूंगा, जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजूंगा। आपको बता दूं कि अगर आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेजकर 5 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया अपने वीडियो को तो आपका वॉच टाइम भी कम हो जाएगा, बहुत के चांस है कि कम हो जाए, बहुत केस में मैंने देखा है। अभी ये रिसेंट में अब होने लगा है, जब से हमने ये पॉलिसी बताई थी कि वीडियो डिलीट कर दो उसके बाद से ये होने लगा है, राइट। तो ये भी ध्यान रखना कि अपने चैनल पर कम से कम 20 से 30 वीडियो अपनी डालो, उसके बाद एक एक वीडियो धीरे धीरे करके डिलीट करो और फिर मोनेटाइजेशन के लिए भेजो। फिर मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइजेशन में भेजने से पहले एक काम जरूर कर लेना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने वीडियो के सभी थंबनेल को जाकर चेक कर लेना कोई डबल रिपीट ना हो रहा हो, सभी टाइटल को देख लेना कोई रिपीट ज्यादा ना हो रहा हो, एक जैसा एकदम ना हो रहा हो, सभी वीडियो में ये देख लेना कि सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका डिस्क्लेमर, हैशटैग, टाइटल ये सब अच्छे से लगा हो। ये चीजें देखकर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना और दूसरे का कंटेंट डिलीट कर देना, उसके बाद आपका चैनल एक से दो दिन अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है और आपको आज ये समझ में भी आया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।